से पवित्र दर्शन करो, कान से पवित्र शब्द सुनो, मन से पवित्र भावना प्रकट करो, मुख से पवित्र बोली बोलो। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। धन धन धरती मंगल गुरु की, धन धन धरती मंगल गुरु की, ब्रह्म ज्ञान जा बरसे। धन धन धरती मंगल गुरु की, ब्रह्म ज्ञान जहाँ बरसे। ब्रह्म सृष्टि के दर्श की खातिर देवों का मन तरसे, देवों का मन तरसे। गुरु मंगल, गुरु मंगल का दरबार। सम्मति है, सत्संगति है, सुमति है, पर कमी एक है, क्या? संपत्ति नहीं है। संपत्ति कितनी चाहिए? साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई शन्ने भूखा जाए, पर नहीं है। बच्चे भूखे हैं, कहा पतिदेव आप कहा करते हो, गुरुकुल में आपके मित्र थे राजा महाराजा शेर साहूकार, आप किसी के पास जाओ कुछ तो लाओ। हंसने लगा, मेरे मित्र द्वारकाधीश किसी में नहीं जाऊंगा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मुझे कभी ना आए, मरना मंजूर है। द्वारकाधीश आपकी मित्र, हाँ तो फिर मांगनी जुट नहीं है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से कुछ नहीं, उनके अनगढ़ की जानते हैं। पर मैं आपसे विनती कर रही हूँ, क्या? कि चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, जल भरे दर्शन करें एक पंडों का। चलने को तैयार हुआ, खाली कैसे जाऊंगा? शेरी तीन मुठी चावल ले आई और वही चावल लेकर चल पड़ी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख श्री कृष्ण श्याम, गाते चले मुख श्री कृष्ण श्यामा। चले जा रहे पहुंच गए, पहुंचे नहीं मूर्छित हो गए थे, योग माया ने पहुंचा दिया। ऐसी देखते हैं क्या दरार लगे, रुक जाओ ब्राह्मण देवता, रुको पहले समाचार दे दो। क्या समाचार दें? घनश्याम तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारे आया। जब आरंभ होता है तो उसका अंत भी होता है ना। कोई भी चीज आप दुनिया में देखिए, कहीं भी कोई भी यात्रा हम आरंभ करते हैं तो उसका समापन होता है। खेती आरंभ करते हैं तो फसल तैयार हो जाता है ना। जीवन भी आरंभ करते हैं तो चलते 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 अंत घड़ी आ जाती है। कार्यक्रम भी हम लोग आरंभ करते हैं तो एक दिन दो दिन करते हुए समय निकल जाता है। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज का चतुर्थ शताब्दी महोत्सव 400वां वर्ष हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, सारे भारत में, नेपाल में, विदेशों में, जहाँ जहाँ एक परिवार प्रणामी भी है, हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, छोटा मोटा कार्यक्रम हो, इष्ट मित्रों को बुलाएं और प्राणनाथ जी के संदेश से सबको अभिभूत करें। ये चार संदेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी आपने नारे के रूप में प्रयोग किया ना,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राण्या जी का संदेश है, विश्व को संदेश, विश्व मानव को संदेश, विश्व जागनी। प्राणनाथ जी एक दो की जागनी नहीं, सारे संसार की जागनी कहते ना, संसार सबके अंग में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, असत सब होशी सत्त मेरे नूर के आवेश। कहते संसार के सारे लोगों के अंदर मेरी बुद्धि का प्रवेश हो जाए ना, तारतम बुद्धि, साधारण बुद्धि नहीं, तारतम बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि, क्षर अक्षर को समझने वाली बुद्धि। अन्यथा लोग तो क्या कहते हैं, सब एक ही है, ऐसा कहते हैं ना। कई लोग कहते हैं न स्वर्ग है न नरक है, सब कुछ यही पृथ्वी है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। कई लोग में कहते हैं सब भगवान एक है, ठीक है एक है, पर एक को तो पहचानो ना, वो कौन है, क्योंकि इतने सारे नाम है तो एक कहने से नहीं होगा। उनका स्थान कहाँ है, एक कहाँ रहता है, अन्य कहाँ रहते हैं, किसका क्या महत्व है, किसकी क्या दर्जा है, कौन क्या फल देता है और कौन किस प्रकार परम गति देता है, ये तारतम, इसी को भेद, इसी को तारतम कहा जाता है। अंग्रेजी में ग्रेडेशन बोलते हैं और हम लोग तारतम बोलते हैं। ये रहस्य, तारतम का अर्थ रहस्य भी होता है, एक तो मंत्र तारतम है, दूसरा रहस्य तारतम भी है ना, विराट समझना। प्राण्या जी ने कहा ना, हद पार बेहद, ये रहस्य है ना, हद किसको कहें, बेहद किसको कहें, ये रहस्यात्मक बात है, रहस्यवाद कहते हैं इसको। इसको खोलने के लिए सारे शास्त्रों को समझना होगा, गीता में हद किसको कहा, भागवत में किसको कहा, वेद वेदांत में किसको कहा और संत वाणी में किसको कहा। हम लोग जब गोष्ठियां कराते हैं प्रोफेसरों की, तो अधिकांश लोग बोलते हैं कि ये बात तो कबीर ने भी कहा, गुरु नानक ने भी कहा, तुलसी ने भी कहा, मीरा ने भी कहा, दादू ने भी कहा, सूर ने भी कहा, सब ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये कहते हुए भी हद बेहद अक्षर अक्षरातीत का पूरा निरूपण करके, किसका कहाँ स्थान है, किसको पूजने वाला कहाँ जाएगा और कौन अंतिम चरण बिंदु है, ये सारा रहस्य उन ग्रंथों में नहीं खोला गया है। तो वहाँ भी ज्ञान है, तो वहाँ भी भक्ति है, तो वहाँ भी प्रेम लक्षणा, नरसिंह भगत के कीर्तनों में भी प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें झलकती है, पर एक रहस्य खोलते हुए, एक गुत्थियाँ सुलझाते हुए, जिस प्रकार से प्राण्या जी महाराज ने वाणी में कहा है ना, कृष्ण के लीला में लोग चक्कर खा जाते हैं कि एक तरफ तो राधा जी को छोड़ देना, रुक्मिणी आदि 16108 को अपनाना क्या है, लोगों को नहीं समझ आती है ना ये बात। अब प्राणनाथ जी के त्रिधा लीला को समझो तो बात पूरी समझ आ जाती है कि राधा का आना कहाँ से हुआ, रुक्मिणी कहाँ से आई, सारा रहस्य खुल जाता है ना। भागवत के बड़े बड़े कथाकार जब श्री कृष्ण बंसी को छोड़ करके शंख बजाते हैं, देखिए महाभारत के युद्ध में तो शंख बजाया ना उन्होंने, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, गीता में लिखा है ना, पांचजन्य नाम के शंख श्री कृष्ण ने फूका। बंसी बजाने वाले शंख क्यों फूक रहे हैं ना, क्या कारण है, त्रिधा लीला से बात स्पष्ट हो जाती है कि शंख बजा रहे हैं, अब वैकुंठ की शक्ति कार्य कर रही है, बंसी बजा रहे हैं तो गौलोक धाम और परम धाम की शक्ति कार्य कर रही है। देखिए ये सब रहस्यात्मक बात प्राण्या जी ने शब्द शब्द में उसको खोला। और देखिए अक्षरात संभवती अविश्वम कोटिशो हंडराशय, ऐसा करके उपनिषदों में भागवत में लिखा। और प्राण्या जी महाराज कहते हैं, नयन के पाव पल में सारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत, अक्षर ये सृष्टि का कार्य करते हैं ना, विश्व ब्रह्मांड की रचना करना ये अक्षर का कार्य है। अक्षरातीत तो अपने महल में बैठ करके सारा ये कार्य दृष्टा बन करके देखते हैं, सृष्टि में क्या हो रहा है,
देवता लोग क्या कर रहे हैं ये साक्षी बन करके देखना और अपने परमधाम के सखियों को आनंद मंगल से उनको आनंद मंगल की लीला दिखाना, आनंद मंगल की वास्तविकता से परिचय कराना, अद्वैत से परिचय कराना, क्योंकि अद्वैत का परिचय हो जाता है तो कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं। आज दुनिया में अद्वैत का परिचय न होने के कारण क्या होता है, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, देखिए ना जितने प्रांत हैं उतनी जाति आ जाती है ना साथ साथ में, फिर जाति के नाम पे लड़ाई, भाषा के नाम पे झगड़ा, ये सब होता है ना दुनिया में, क्योंकि अद्वैत का परिचय न होने के कारण। जैसे सब के सब माने कि हम भारतीय हैं, तो ये भारत हमारा, हम भारतीय, ऐसा लोगों में आ जा है, तो ये प्रांतीय भेदभाव, प्रांतीय झगड़े नहीं रहेंगे। फिर आप देखिए जब नेता लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो कहते हैं ये ब्राह्मण वोट इतना है, मुस्लिम वोट इतना है, यादव वोट इतना है, अनुसूचित जाति का वोट इतना है, अनुसूचित जनजाति का वोट इतना, ये क्या है, बांटने वाली बात है ना, कि सबको अलग अलग वर्ग में बांटो और राजनीति करो। पर जब अद्वैत का ज्ञान हो जाता है तो ये बांटने वाला काम खत्म हो जाता है। क्यों बांटना लोगों को, सब तो इस देश के वासी हैं और सब इस देश में समान अधिकार से रह सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ण का हो, वनवासी हो या शहरवासी हो, कहीं का भी हो, है तो भारतीय है, तो परमात्मा की सृष्टि। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो मानव की सृष्टि बनाई ना, एक मानव की जाति परमात्मा ने इस तरह से सृष्टि की है। पर सृष्टि चलाने वाले, जब सृष्टि में राज करने वाले राजा लोग आए, उन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए चार जाति बनाई, चार प्रकार का काम करे इसलिए चार जाति उन्होंने बनाई हुई है। पर श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म विभाग स, उनके गुण और कर्म को देख करके विभाग बांटना चाहिए, न कि उनके जन्म को देख करके विभाग बांटो, ऐसी बात नहीं है। और प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि वो साधारण कुल में उत्पन्न एक चांडाल है, वो ब्राह्मण से भी उत्तम है। इसका मतलब है प्राणनाथ जी का ज्ञान एक महान ज्ञान है, जात एक खसम के और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया उड़ गई दूसरी बात। प्रहन्ना जी तो यहां तक कहते हैं कि परमात्मा की एक जाति है और दुनिया की एक जाति है, मनुष्य की एक जाति है, परमात्मा की एक जाति है, बस दो ही जाति रह गई ना, और बाकी सब तो ये संसार का भेद है। भेद को मिटाओ, अभेद कार्य करो, द्वैत को मिटाओ, अद्वैत कार्य करो, खंड खंड को मिटाओ और अखंड हो जाओ। हम खंड खंड में बट जाएं तो हमारी कोई शक्ति नहीं रहेगी। देखिए हमारे देश के राजा खंड खंड में बटे हुए थे ना, प्राणनाथ जी महाराज जब धर्म प्रचार यात्रा करते हुए निकले 400 साल पहले, तो हमारे देश में 600 राजा राज करते थे खंड खंड में। राजस्थान में कितने राजा, गुजरात में कितने राजा, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितने राजा, मध्य प्रदेश के अलग अलग खंडों में अलग अलग राजा, 600 राजा जिस देश में राज करें, देश कितना खंड खंड में बटा हुआ है, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, कोई किससे मिला हुआ है, कोई किसको परास्त करना चाहता है। तभी प्राणनाथ जी महाराज को हृदय में बहुत दर्द हुआ कि देखो ये देश को बाँट रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज ने क्या कहा, राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। अरे राजाओं, अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग करो, क्योंकि आपके अंदर अज्ञान है कि मैं बड़ा, मैं राज करूं, दूसरा परास्त हो जाए, दूसरे का दमन किया जाए, सबका समान अस्तित्व है, आप जैसा सोचते हो सामने वाला भी ऐसा ही सोचेगा,
आप किसी लुटेरे को बुला करके सामने वाले राजा को लुटवाते, वो भी तो बुला सकता है आपको लुटवाने के लिए। इसलिए देश के लिए आप एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, क्योंकि इससे नुकसान आपका तो हो ही रहा है, धर्म का भी नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान से हिंदू धर्म जो है ये हटता जा रहा है, अन्य धर्म यहाँ हावी होते जा रहे हैं। जो बाहर का शासक आता है वहाँ से धर्म लेकर के आता है। हमारे इस भूमि का धर्म नहीं है, हमारे इस धरती का धर्म नहीं है, कहीं और विधान और व्यवस्था और सब जो है बातें इस देश के अंतर्गत आ रही है। इसलिए एक महान संस्कृति, देश के महान संस्कृति की रक्षा के लिए और इस देश को फिर से राजगुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, जैसे 3000 साल पहले भारत विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता था और बीच में दूसरे राजा राज करने लगे तो विश्व गुरु का पद और किसी के पास चला गया। प्राणनाथ जी चाहते थे ये दोबारा भारत को मिले, ये मौका फिर भारत के पास लौट करके आए, इसके लिए सबको संगठित होना होगा। प्राणनाथ जी की आवाज़ से आज देश क्या है आप देखिए, राजाओं के पंजे से छूट गया पर राज दलों में आज भी बटा हुआ है। अनेक दलों में राजनीति बटी हुई है ना, फिर भी कई देश बटा हुआ है। अगर भारत एक हो जाए और भारतीय संस्कृति को साथ लेकर के देश आगे बढ़े तो विश्व भारत के जो है, भारत की संस्कृति के तले, भारतीय परंपरा के तले विश्व नमन करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि कौन पसंद नहीं करता इस देश को, यहाँ के प्रकृति, यहाँ के हिमालय देखने लोग आते हैं, पहाड़ों को देखने आते हैं, समुद्र को देखने आते हैं, राजस्थान की मरुभूमि को देखने आते हैं, दार्जिलिंग के टी गार्डन को देखने के लिए आते हैं, है ना। सारे विदेशी लोग हमारे प्राचीन इमारतों को देखने आते हैं, मंदिरों को देखने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को देखने आते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय नृत्य कला, भारतीय वाद्य वादन, भारत में संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। सबसे प्राचीन भाषा देव भाषा संस्कृत, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि आकाश में जो ये सैटेलाइट भेजा जाता है ना, उस सैटेलाइट में कोई संदेश भेजना हो तो दूसरी जितनी भाषाओं में भेजते हैं वो भाषा फट जाती है बीच में जाकर के। संस्कृत में वो भेजते हैं ना तो संस्कृत भाषा फटती नहीं है, क्योंकि ये देव भाषा है, देवता लोग भी ऊपर ही रहते हैं ना। सैटेलाइट भी ऊपर भेजा गया है कि नहीं, ऊपर सैटेलाइट भेजा गया तो सैटेलाइट में तो ऊपर की भाषा ही समझी जाएगी ना, देवताओं की भाषा। तो ये देव भाषा संस्कृत सीखने के लिए लोग आते हैं। और इतना ही नहीं, देखिए यहाँ के आयुर्वेद ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अंग्रेजी दवा खा खा करके एलोपैथिक ट्रीटमेंट से लोग तंग आ गए, इसलिए प्रकृति से लोग जुड़ना चाहते हैं। आयुर्वेदिक परंपरा से हर्बल ट्रीटमेंट ये सब चल रहा है ना, तो योगा, भारतीय योग पद्धति विश्व में इसका मान सम्मान है। विश्व के 181 देश के लोग योगा करने लगे अभी। योगा, प्राणायाम, व्यायाम, ये सब क्या है, भारत का एक देन है। इसलिए भारत फिर से विश्व गुरु बने, ये प्राणनाथ जी की सोच है। और यही संदेश लेकर के ब्रह्म सृष्टि को जगाना तो है ही है, ये तो विशेष कार्य है, पर सारी सृष्टि को भी जगाना है इस ज्ञान के द्वारा कि जो आप देश के लिए, संस्कृति के लिए गर्व करें, साथ साथ अंत तो गत्वा आत्मा उत्थान के लिए, आत्मा को तारने के लिए परम धाम की भक्ति से भी जुड़े। कान्हा का ये दरबार कितना सुहाना है, हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है, हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। कान्हा का ये दरबार कितना सुहाना है, हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है, हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है।
राज समाज की जोड़ी देखो लगती कितनी प्यारी, दूर दूर से सुंदर साथ भी सज सज के हैं आए। राज समाज की जोड़ी देखो लगती कितनी प्यारी, दूर दूर से सुंदर साथ भी सज सज के हैं आए। सज सज के हैं आए श्रद्धा से राज समाज का प्रेम को पाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। हम भी नाचेंगे और सबको नचाना है। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी चौदह भवन। प्राणनाथ जी का कहना मानो, पहले आप पहचानो। प्राणनाथ जी हैं अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार। प्रणाम। शताब्दी मनाएं जागनी ज्योति जलाएं, चतुर्थ शताब्दी मनाएं जागनी ज्योति जलाएं। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। से पवित्र दर्शन करो, कान से पवित्र शब्द सुनो, मन से पवित्र भावना प्रकट करो, मुख से पवित्र बोली बोलो।